मुरादाबाद शहर के कांट रोड अगवानपुर शिरडी साई पब्लिक स्कूल में छऊ नृत्य मुख्य तरीके से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। ज्यादातर बसंत त्योहार के चैत्र पर्व पर होता है, जो 13 दिन तक चलता है और इसमें पूरा संप्रदाय भाग लेता है। इस नृत्य में संप्रेक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण है और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की गति और चाल को प्रदर्शित करता है। गांव गृहिणी के कामकाज पर भी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष नर्तकी करते हैं, जो परंपरागत कलाकार हैं या स्थानीय समुदाय के लोग हैं। ये नृत्य ज्यादातर रात को एक अनावृत क्षेत्र में किया जाता है, जिसे अखंड या असार भी कहा जाता है। परंपरागत एवं लोक संगीत के धुन में ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मोहरी एवं शहनाई का भी इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त तरह तरह के ढोल, धुमसा और खरका आदि लोक वाद्यों का भी प्रयोग होता है। नृत्य के विषय में कभी कभी रामायण और महाभारत की घटना का भी चित्रण होता है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा, महतो, कलिंदी, पत्तानिक, समल, दरोगा, मोहंती, भोल, आचार्य, कर, दुबे और साहू संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। छऊ नाच के संगीत मुखी कलिंदी धदा के द्वारा दिया जाता है। छऊ नृत्य में एक विशेष तरह का मुखौटा का इस्तेमाल होता है, जो बंगाल के पुरुलिया और सरायकेला के आदिवासी महापात्र, महारानी और सूत्रधर के द्वारा बनाया जाता है। नृत्य संगीत और मुखौटा बनाने की कला और शिल्प मौखिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम में 16 कलाकारों की टीम को स्कूल की डायरेक्टर नलिनी अरोड़ा ने फूलमालाएं अर्पित करने के साथ शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और कहा कि मुरादाबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल के कलाकारों की प्रस्तुति आज विद्यार्थियों को देखने को मिली है। सिटी चैनल से बात करते हुए नलिनी अरोड़ा ने कहा कि बढ़ते युग में बच्चे भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं, ऐसे में बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्कूल में हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से आर्टिस्ट आए हैं छाऊ डांस परफॉर्म करने। वो एक पूरा एक्ट शो कर रहे हैं महिषासुर पे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, यू विल सी ऑन द स्क्रीन आफ्टर दैट। आपको सभी को पता है कि साउंड में एक एबिलिटी होती है सोल को टच करने की और एक एटमॉस्फेयर में रिपल डिवाइन रिफ्लेक्शन आज है। और मैं ये बताना चाहती हूँ सब लोगों को कि ये जो इंडियन कल्चर है, बाहर के लोग, विदेशी लोग हमारे कंट्री में क्यों आते हैं, व्हाई वी गेट द टूरिज्म हियर, बिकॉज ऑफ द इंडियन कल्चर, बिकॉज उनका, और वो यहाँ आके ट्रांसफॉर्म भी होते हैं बॉडी माइंड एंड सोल से, उनका ऐसा इंडिया से कनेक्शन रहता है बिकॉज यहाँ वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन हेरिटेज और कल्चर की है। जो नई जनरेशन है आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न की तरफ इंक्लाइन तो है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कहूँगी है इंक्लाइन, उससे क्या हो रहा है, एक सब दौड़ में तो दौड़े चले जा रहे हैं, उससे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन एंड टेम्पररी ट्रीटमेंट्स तो उन्हें हैप्पीनेस के मिल जा रहे हैं, बट उसमें ये लोग ओवर शैडो ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस भूल जा रहे हैं। आप खाइए
पास्ता खाइए, इटालियन बनिए, सब कुछ है, लेकिन इटालियन तो मत बनिए ना फिर, है तो हम इंडियंस ही. सो बी प्राउड ऑफ योर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस. एंड शिर्डी साईं ऐसा बहुत कुछ करता रहता है. सारे स्टेट्स के हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स अपने स्कूल में करा रहे हैं. दिस वॉज द फर्स्ट वी स्टार्टेड विद. लेट अस सी हु इज द नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.